से फेस को अब एक बजर के लिए जाएगा, तो ये एक फेस काम गया बजर के लिए, ठीक है। अब ये है प्रोग्राम इनपुट का, तो ये प्रोग्राम इनपुट पे लगा देंगे करेंगे, तो नॉर्मली आपको बजर का लास्ट में जब आप करेंगे तो लास्ट में इसके साथ कंटिन्यूटी बताएगा, मेन फेज जो होगा वो स्टार्टिंग रनिंग के साथ आपको कंटिन्यूटी देगा, अदरवाइज स्टार्टिंग रनिंग के आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं देते हैं। तो नॉर्मली जिस तरीके से निकालते हैं बाकी बचा हुआ उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया वो वैसे ही सीक्वेंस में रहेगा, प्रोग्राम इनपुट और दो आउटपुट लास्ट की ऐसे रहता है, ठीक है। कुछ मत करना उसको डायरेक्ट आपके यहाँ से मेन पहली बजर के लिए रहेगी, उसके बाद आपका मेन फेज यहाँ से इनपुट कराते हैं, फिर प्रोग्राम सिलेक्टर का इनपुट, प्रोग्राम इनपुट यानी कि फिर उसके बाद आता है आपका फेज जो जाएगा होस्ट टाइमर के लिए स्टार्टिंग रनिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ से आप लेके जाएंगे कोई सा भी स्टार्टिंग कोई सा भी रनिंग बनाना है, कहीं लिखा नहीं रहता है ऐसा मेंशन नहीं रहता है, तो यहाँ दे दिया आपने, उसके बाद दो आउटपुट कर दो इस तरीके से होस्ट टाइमर या प्रोग्राम।